वेलकम टू कॉलेज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। मैं राजदेव प्रसाद और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आज के समय पे ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है उन बच्चों के लिए जो अभी 12th में हैं या फिर अभी 12th पास आउट करने वाले हैं ये साल 2022 में। ओके, तो कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या होता है उन लोग के बीच में, आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, तो एक उसका हम ओवरलुक कर लेते हैं। यूजी कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। ओके, कि क्या क्या अंडर ग्रेजुएट कोर्स है 12th साइंस के बाद। अब साइंस से भी हमारे दो ऑप्शन आ जाते हैं, कोर्सेज आफ्टर 12th PCM, कोर्सेज आफ्टर 12th PCB। आप मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं तो क्या ऑप्शंस है, आप बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं तो क्या ऑप्शंस है। ओके, एंड कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स, कोर्सेज आफ्टर 12th आर्ट्स, फिर डिप्लोमा के कोर्सेज हम जानेंगे कि 12th के बाद क्या क्या है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हम डिस्कस करने वाले इन डिमांड करियर्स। अब देखिए, पिछले दो सालों में जिस हिसाब से कोरोना की वजह से जो हमारा सिचुएशन अभी एजुकेशन का जो हमारा गैप बदला है, ओके, तो हमारा भी क्या क्या करियर डिमांड्स है, हम क्या क्या उसमें हम क्या क्या एजुकेशन हम परस्यू कर सकते हैं जिससे हमारी एक अच्छा जॉब लग सकता है। ओके, एलिजिबिलिटी क्या होंगी, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, वो आने वाली वीडियोज में आपको पूरा बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो यूजी कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। ओके, तो यूजी कोर्स फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो क्या क्या होता है। ओके, एक सिंपली आप इसका ओवरलुक मैं आपको दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा। ओके, ये चार पांच जो आपको मैं फील्ड बता रहा हूँ इसमें लोग जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कितने समय लगते हैं। ओके, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स अगर बेसिकली 3 से 4 साल का होता है। ओके, और इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है, जैसे कि BBA, MBA, आप इंटीग्रेटेड कोर्स में भी एडमिशन करवा सकते हैं जो कि 5 साल का होता है। और प्लस टू के बाद अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 2 साल का होता है। तो आइए जान लेते हैं कि हमारा क्या क्या कोर्सेज है। ओके, तो कोर्सेज आफ्टर 12th PCM, अगर आप मैथ्स लेके कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, तो पहला तो आ जाता है जो सबके बीच में है, इंजीनियरिंग मतलब बीटेक। ओके, तो बीटेक में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, बीटेक में आप कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ाई कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन का कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल और सिविल का भी कर सकते हैं। ओके, एंड IT में भी आप जा सकते हैं उस। ओके, इसका एलिजिबिलिटी क्या क्या है, 12th साइंस। ओके, 12th में आपको मैथ्स होना कंपलसरी है विद हाई परसेंटेज। ओके, और इसका एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, देखिए आप इसको नेशनल और स्टेट लेवल पे इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे कि आपका JEE मेंस हो गया, गेट हो गया, UPSC हो गया, ओके, एंड BITSET हो गया। ओके, आप थ्रू एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आपके बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जो कि पर्सनल बेसिस पे आपके कॉलेज के वहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड आपका एडमिशन होता है। ओके, और अगर आप इसमें जाते हैं क्योंकि ये 4 साल का कोर्स है और इसका स्टार्टिंग सैलरी जो आपका लगेगा वो तो 2.5 लाख से 3 लाख पर एनम का लग सकता है। ये देखिए, ये मैं एक अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ कि इतना तक का लगता है। ओके, अगर आप कॉलेज के परस्यू करने के बीच में अगर आप बहुत अच्छा अपना आप एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, ओके, तो डिपेंड करता है कि ये सैलरी पैकेज जो है ये 10 लाख तक भी जा सकता है। ओके, तो ये रेयर केस में होता है। ओके, बट जो बेसिक सैलरी होता है वो 2.5 लाख से 3 लाख पर एनम होता है और ये 1 से 2 साल के बीच में ये बढ़ सकता है 5 से 6 लाख। ओके, तो अब उसका और भी कुछ कोर्सेस हैं, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि बीटेक करने के बाद वो सिर्फ मैथ्स लेने के बाद वो सिर्फ बीटेक ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे कोर्सेस हैं अगर आप मैथ्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो। ओके, तो अभी ये बैचलर्स ऑफ साइंस BSc, ये भी 3 साल का कोर्स होता है, आपको 12th में आपके मैथ्स होने चाहिए। ओके, और मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए आपका, ये मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाता है अच्छे कॉलेजेस में। ओके, और इसका एंट्रेंस एग्जाम्स भी होता है कुछ कॉलेजेस के बेसिस पे। ओके, इसका स्टार्टिंग सैलरी भी सेम 2.5 लाख से 3.5 लाख पर एनम का होता है। ओके, अब जो इसका सेकेंड कोर्स हमारा थर्ड कोर्स आता है वो होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, जो कि 5 साल का कोर्स है। ओके, और इसमें भी आपका 12th में मैथ्स होना चाहिए विथ हाई परसेंटेज। ओके, सेम एडमिशन प्रोसेस भी है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो आप IIT JEE का एग्जाम दे सकते हैं, BITSET का एग्जाम दे सकते हैं, आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं, और पैकेज जो होगा वो 2.5 लाख से 4.5 लाख पर एनम का आपका लग जाता है। और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ओके, जो कि बहुत अच्छे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जो कि मैं आपको वीडियोस के एंड में आपको कुछ अच्छे कॉलेज के बारे में भी आपको बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट कोर्स पे हम जाते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट कोर्स है वो है आपका 12th मैथ्स के बाद, वो है NDA। देखिए, अब होता है कि अगर आपका माइंडसेट बना है डिफेंस लाइन में जाने के लिए, ओके, तो आप PCM करने के बाद भी आप डिफेंस लाइन पे जा सकते हैं, NDA ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके,
वो एनडीए टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस सर्विसेज इंडियन नेवी ऑफिसर और इंडियन एयरफोर्स, वो क्या पर 12 पीसीएम होना चाहिए, आप अनमैरिड होने चाहिए और इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होना चाहिए। आपको यूपीएससी एनडीए एग्जाम्स जो होते हैं ओके और उसको क्लियर करना पड़ेगा विथ मेडिकल एग्जाम भी, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग सैलरी होता है 39,000 to 80,000 पर मंथ ओके। और जब आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं ठीक है, तो आपका मर्चेंट नेवी में भी आपका बीएससी इन नॉटिकल साइंस जो कि 3 साल का होता है ओके, आप मरीन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप नेवल आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, आप ऑफशोर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग में भी आप जा सकते हैं जो कि 4 साल का कोर्स होता है। 12th में आपका मैथ्स होना चाहिए विथ हाई परसेंटेज, एडमिशन प्रोसेस इसका होता है, आपको क्वालिफाई करने पड़ेगा ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी का एंट्रेंस टेस्ट होता है एमनेट ओके, और इसका जो रिक्वायर्ड विजन जो होता है उसका आपका आईसाइट बहुत अच्छा होना चाहिए ओके, और हेल्थ आपका, आपको पता ही है कि आप डिफेंस लाइन में जाओगे तो आपको एक बहुत ही आपके हेल्थ को मेंटेन करके चलना पड़ेगा ओके। तो स्टार्टिंग सैलरी इसका होता है 12,000 to 8,00,000 रुपया पर मंथ ओके। तो ये होता है कि आपको किस पोजिशन पर आपका आप सिलेक्टेड हो ओके। तो नेक्स्ट कोर्स जो हम जा रहे हैं वो है आपका पायलट का ओके, दोस्तों इंडियन फ्लाइंग स्कूल ओके, सीपीएल प्रोग्राम जो ड्यूरेशन 2 to 3 साल का जो ये होता है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं वहाँ पे ओके। इट टेक्स 8 to 24 महीने का भी ये होता है ओके, 2 साल का भी होता है, और कमर्शियल पायलट आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ओके। और इसका एलिजिबिलिटी क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्लास आप 12th में आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 50% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स में ओके, और आपका एटलीस्ट एज ऑफ 16 आप होने चाहिए फॉर द स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 17 साल में आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस हो जाना चाहिए और 18 साल में आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस का आप अप्लाई कर सकते हैं ओके। और इसके बाद में आपको बताना चाहता हूँ इसका जो एडमिशन प्रोसेस क्या है ओके, वो है FAA मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओके, देन अप्लाई फॉर FAA स्टूडेंट पायलट सर्टिफिकेट ओके, फिर स्टार्ट फ्लाइटिंग ट्रेनिंग लेसन्स एंड पास प्राइवेट पायलट नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए ओके। और इसका स्टार्टिंग सैलरी होता है 3,00,000 to 8,00,000 रुपया पर मंथ, ये होता है ये जो चीज़ें मैं कुछ बताया जैसे कि NDA और आपका नेवी और आपका मैं ये पायलट का जो बताया, ये होता है पैशन। अगर आप किसी को एक पहले से सोच कर रखा है कि मुझे पायलट बनना है ओके, तो आप 12th के बाद जा सकते हो। कोई पहले से सोच कर रखा है कि मुझे NDA में जाना है डिफेंस लाइन में जाना है तो आप वहाँ पे आप जा सकते हैं ओके। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप PCM लेकर आप पढ़ाई किए हैं ओके, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या आपके पास ये करियर टॉप डिमांड करियर क्या क्या है ओके। तो आप देख पा रहे हैं करियर इन डाटा एनालिसिस ओके, आर्किटेक्चर डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, गवर्नमेंट जॉब्स आपका लग सकता है ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं आप, एयरफोर्स पायलट का भी डिमांड है, रिसर्च एनालिस्ट, स्कूल टीचर बन सकते हैं, को पायलट एंड चीफ पायलट बन सकते हैं ओके। ये सब का करियर डिमांड्स है अभी यहाँ पर ओके। इंपॉर्टेंट बात ओके, जो कॉलेज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ओके, अगर आप प्लस टू पास आउट हो चुके हैं या होने वाले हैं तो आप इन 5 स्टेप को फॉलो करिए ओके। पहला स्टेप है अकॉर्डिंग, आप एक बहुत अच्छा कोर्स आप चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो ओके। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा को इंटरेस्ट है कंप्यूटर में ओके, बट उसने आर्ट्स कॉमर्स या उसने जो भी पढ़ाई कर लिया बट उसका इंटरेस्ट कॉमर्स कंप्यूटर में आ रहा है, तो आप कंप्यूटर के बेसिस का क्या क्या आप कोर्सेज हैं ओके, आप IT में जा सकते हैं, आप BTech CS में जा सकते हैं ओके, या फिर आप BCA में जा सकते हैं, तो आपने अपने लिए कोर्स ढूंढ लिया ओके। उसके बाद फिर हमने हमारे डिस्क्रिप्शन इस नंबर पे आप कॉल करिए, हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे कि उस कोर्सेस में क्या क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या सब्जेक्ट्स आएंगे ओके, कितने साल का कोर्स है वो, उसके बाद क्या जॉब फैसिलिटीज आपको मिलता है, वो सब हम आपको गाइड करेंगे। थर्ड स्टेप, वी विल प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कोर्स, हम सब कुछ वहाँ पे आपको देंगे। उसके बाद अगर आपको सब सही लगता है तो आप उसमें कुछ कॉलेजेस के लिए आप एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं, कुछ कॉलेजेस के लिए आप प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं ओके। अदरवाइज आप कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। तो हम आपको अगर वैसा है तो आपको कुछ ऑल ओवर इंडिया के 5 top 5 top 10 कॉलेजेस हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपको उसमें से कोई पसंद है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं ओके, तो उसके एडमिशन प्रोसेस भी है जो कि आप वहां से कर सकते हैं विद रजिस्ट्रेशन फीस से, आप वहां पर अपना एडमिशन प्रोसेस आगे कर सकते हैं ओके। एंड सारे एडमिशन डिटेल्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल राजदूत प्रसाद में जाके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको, आप 7008448255 नंबर पे ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन या फिर मेरे वीडियोज में कुछ मेरी मिस्टेक्स हैं तो आप कॉमेंट्स करिए ओके। और
जो भी आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स या कुछ कोर्सेज मैंने छोड़ दिया, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। और हमारे वीडियोस में, आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में, हम कॉलेज का टूर भी हम देते हैं, वो फुल कैंपस टूर हमारे सारे यूट्यूब चैनल में है। ओके, तो आप चैनल को सपोर्ट करिए। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर करिए, लाइक करिए, और बहुत सारे लोगों तक फैलाइए, जो भी 10+2 स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन।